Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do part 3 of chapter number 2 of class 10. Okay, so chapter number 2, hum kaun sa chapter kar rahe the abhi? Acids, bases and salts. So, iske humne do parts kiye. Aap un do parts ki videos dekh sakte hain. Maine description box mein unke links provide kar diye hain. So before watching this video, kindly go through those two topics because they will make like contact with the present video. Okay, तो आप जब वो दो videos अच्छे से देख पाएंगे, उनको topics को cover कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी. Okay, so let's get started. So what are the contents we are going to study under this part? तो आज हम करने वाले हैं indicators के बारे में. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सो उनकी टाइप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. देन हम पीएच एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है कि कोई भी चीज कितनी एसिडिक है, कोई चीज कितनी बेसिक है और क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होता है. तो ये हम पीएच स्केल के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देन वन स्मॉल टॉपिक. It's maybe not in your NCERT book, it's not mentioned, but I think you should know what is strength and what is concentration or in dono mein difference kya hota hai. So it's a basic topic, you should know, taki aap jab aap puri ki puri lines pad rahe ho to aapko understanding ho ki main kya pad raha hu ya kya pad rahi hu. So aap don't get confused. So it's a topic, what is strength and what is concentration, aur dono mein farak kya hai. Okay, so first topic is indicators. So indicators क्या होते हैं, तो जो हमारे indicators हैं वो करते क्या है. Indicators एक तरह का measurement का तरीका है to determine कि कोई भी substance acid है या base है. तो indicators क्या करते हैं, एक defining method है. It is they are used to determine कि वो substance, एक substance unknown substance आप पकड़ा दीजिए. ठीक है, सो हाउ डू यू नो दैट सब्सटेंस इज एन एसिड और इट इज अ बेस. सो इंडिकेटर्स, दे हियर कम्स इंडिकेटर्स. सो दे हैव वर्क टू डू, सो दे विल डिटरमाइन. हाउ दे विल डिटरमाइन, विल सी. ठीक है, जो सब्सटेंसेस कलर या स्मेल, स्मेल को चेंज कर दें इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड्स और बेसिस में क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने फाइंड आउट की थी कि कौन सा कलर. ठीक है, कौन, जैसे हमने पढ़ा ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस टू रेड कौन करता है, कौन करता है ब्लू लिटमस टू रेड, टेल मी, दैट इज एन एसिड. रेड लिटमस टू ब्लू कौन करता है, दैट इज अ बेस. ठीक है, सो इट्स लाइक कलर चेंज कर देना, वो यहाँ पे ये बता रहा है बिकॉज जो लिटमस है वो एक तरह का इंडिकेटर है. ठीक है, इंडिकेटर. तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में. तो इंडिकेटर्स तीन तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिल जाते हैं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल को चेंज कर देते हैं, एंड देन थर्ड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है. राइट, आई एम सॉरी. सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, लेट्स सी देम वन बाय वन. ओके, सो अंडर दिस पिक्चर यू कैन सी The natural indicators यहाँ पे मैंने दिखा रखा है. सो टर्मरिक, टर्मरिक आप सब लोगों ने देखा होगा, हल्दी, जिसे हल्दी बोला जाता है, हल्दी जो आपके घर में मिलती है. सो इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर. वेयर एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो इंडिकेटर्स आ जाते हैं, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. सो दे आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स. नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस जिसकी बात कर रहे थे, जो चेंज करता है कलर, कलर को चेंज करता है, तो जिससे हमें पता लगता है कि वो एसिड है या बेस है. So let's see कि natural indicators क्या होते हैं, जो कि natural resources से हमें मिलते हैं, वो हो गए हमारे natural indicators. Its name defined. अगर आपको question आ जाए what are natural indicators, we should know the indicators which are obtained from the natural resources. So that are natural indicators. और उनकी examples की हम लोग बात कर ले तो कौन से हैं. One is litmus. ठीक है, second is turmeric. Litmus के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, दोनों videos में हमने देखा. Then turmeric, turmeric भी हल्दी, it is a kind of natural indicator जो कि define करता है कि acid कौन सा और base कौन सा है. ठीक है, then is red cabbage. ठीक है, red color का cabbage आता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो you can google it and you will come to know
कि रेड कैबेज क्या होता है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. एंड चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. हियर इन दिस पिक्चर आई हैव शोन यू अ रेड कैबेज जूस जो कि नेचुरल इंडिकेटर का काम कर रहा है. और इसमें ऑर्किड फ्लावर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी को देख सकते हैं, ठीक है, बेरीज और ग्रेप्स को देख सकते हैं. सो दीज आर ऑल नेचुरल इंडिकेटर्स. तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लिटमस की. लिटमस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. लिटमस जो होते हैं आपको एक नेचुरल रिसोर्स यानी कि लाइकन्स, लाइकन्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सो लिटमस जो है आपको लाइकन से मिलते हैं, और जो लिटमस खुद होता है उसका अपना कलर क्या होता है, दैट इज पर्पल. व्हाट दे आर पर्पल इन कलर. तो लिटमस जो है वो दो कलर्स में आता है, ठीक है. जो वो एसिड है, एसिड को वो, अगर कोई भी आपको चीज पता लगे कि एसिड है तो वो क्या करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स दैट इज अ एसिड. अगर वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो दैट इज अ बेस. ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है. देन इज सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर, दैट इज ऑल्सो टर्मरिक, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. सो यू ऑल नो वॉट इज द कलर ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक इज येलो इन कलर. तो टर्मरिक क्या करता है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट टर्न्स रेडिश ब्राउन. वो अगर टर्मरिक सॉल्यूशन जो है, अगर कोई भी पेपर उसमें डाला जाए तो वो बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाता है, जबकि एसिड के साथ उसका कलर चेंज नहीं होता, ठीक है. जिसमें चेंज हो गया कलर वो बेस है, रेडिश ब्राउन आ गया. अगर नहीं हो रहा तो दैट इज एन एसिड. रेड कैबेज खुद पर्पल कलर का होता है, ठीक है, और वो एसिड के साथ रेडिश हो जाता है और बेस के साथ ग्रीनिश हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे जो नेम है उनके कलर्स ऊपर स्पेसिफाई किए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में, समझने में ईजी रहे. ओके, सो गो थ्रू दीज नेचुरल इंडिकेटर्स. Then comes the second type of indicators, that is smell indicators, olfactory indicators. Olfactory indicators, यानी कि जिसको आप smell कर सकते हैं, जो smell को change कर दे जब वो acid और base के साथ mix होता है. जब वो acid और base के साथ mix होता है तो वो smell को change कर देता है. तो जैसे कि onion, vanilla, ठीक है, onion, प्याज क्या करता है, juice of onion loses its smell when added with base. तो जब वो बेस के साथ ऐड करते हैं तो वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है, जबकि एसिड के साथ उसकी स्मेल चेंज नहीं होती, ठीक है. वनीला क्या करता है, बेस के साथ अपनी स्मेल वैनिश कर देता है, ठीक है, खत्म हो जाती है स्मेल, बट एसिड के साथ उसकी स्मेल वैनिश नहीं होती, ठीक है. तो अनियन और वनीला दो तरह के ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं. जो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स को इसलिए इंक्लूड किया जाता है because unfortunately those persons who cannot see so but they can smell, they can smell the things to find out ki what is an acid and what is a base, right. So here I have shown you this table. Onion mein kya baat kari humne ki acid ke sath wo smell ko retain karta hai, base ke sath wo apni smell lose kar deta hai. Vanilla jo hai wo acid ke sath retain rakhta hai aur base ke sath lose kar deta hai. Okay, so this is about olfactory indicators. Then third comes synthetic indicators. So synthetic indicators कौन से हैं जिसको हम लोग synthesize करते हैं laboratories में, ठीक है. Their name suggests जिसको हम लोग labs में बनाते हैं उसको synthetic indicators बोलते हैं. One is phenolphthalein and second one is methyl orange, ठीक है. तो phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein एक colorless liquid है, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे. It's a colorless liquid. जो कि रिमेन कलरलेस विद एसिड, एसिड के साथ कलरलेस रहता है, बट विद बेस पिंक कलर का हो जाता है. कौन से कलर का हो जाता है, पिंक कलर का. व्हेयरएज जो मिथाइल ऑरेंज होता है, बिकॉज इट्स नेम स्पेसिफाई ऑरेंज, इट्स ऑरेंज, ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज रहता है, बट एसिड के साथ ये रेड कलर का हो जाता है और बेस के साथ ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जो आपको स्पेसिफाई करते हैं या जो आपको बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. उसको डिटरमाइन करने का एक तरीका है, इट्स अ वे टू डिटरमाइन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, सो दिस इज अ कंबाइंड टेबल आई हैव मेंशन्ड एंड आई हैव रिटन द इंडिकेटर्स ऑन द first column and then their original color is written on the second column. And with the acid, which color, yeah, what happens, what is the result,
when an indicator reacts with an acid, or when an acid is जब इंडिकेटर में एसिड डाला जाता है, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रिजल्ट, एंड सिमिलरली ऑन द लास्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम, व्हाट इज द रिजल्ट विद द बेस. ठीक है, तो आप इस टेबल को जो अभी तक हमने सारी स्लाइड्स में पढ़ा, इट्स ऑल मेंशन इन दिस वन सिंगल टेबल. सो काइंडली गो थ्रू दिस टेबल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, और यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो, व्हाटएवर यू फील राइट. सो गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू remember their names, because it is useful in your normal life as well. Okay, apart from your exams, it is also useful in our routine. Then is a universal indicator. So universal indicator litmus paper ko hum log use karte aaye hain. Theek hai, phenolphthalein, litmus paper to ek hamara ho gaya natural, phenolphthalein, methyl orange humne abhi padhe synthetic. So acidity or basicity characters ki determine karne ke liye ye bataye gaye. तो स्ट्रेंथ और, ठीक है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को अगर डिटरमाइन करना हो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है एसिड जो बेस है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है. हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया इंडिकेटर से कि कौन सी एसिड है, कौन सी बेस है सब्सटेंस, तो वो तो हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जबकि उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया जाता है. तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 टू 14 तक दी गई है. ठीक है, ये स्ट्रिप्स और सॉल्यूशंस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. ये काफी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है, वाटर, प्रोपेनोल, फिनोप्थिलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड एंड मोनोसोडियम सॉल्ट एंड ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, यू कैन सी दिस. ठीक है, सो इट्स रेंज वेरीज फ्रॉम 1 टू 14, और ये स्ट्रिप्स में भी आता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसके कलर्स दे रखे हैं पीएच के हिसाब से. पीएच जो है, हम इसके बारे में अगली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि पीएच क्या होता है. पीएच एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है. तो 7 जो होता है दैट इज अ न्यूट्रल, जो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. सो इट इज रिटन, इट इज न्यूट्रल. जबकि 7 से नीचे वाले जितने हैं वो एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर वाले जितने हैं वो बेसिक होते हैं. ठीक है, तो जिसका भी पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, 7 से नीचे वाले एसिड है, 7 से ऊपर वाले बेस है. और जो एसिड्स हैं उनके नंबर्स दे रखे हैं. तो जैसे जैसे हम इस साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, तो आप देखेंगे नंबर पीएच का कम हो रहा है, बट उसकी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज एच पॉजिटिव आइंस यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे. हमने बात करी थी जहां पे पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाए आइंस में, तो वो ज्यादा एसिडिक होता जाता है. तो पीएच जो 1 वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, व्हेयरएज जो 6 है वो वीक एसिड है. सिमिलरली जो 7 से ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे बेस हैं. तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ठीक है, ये कम होते, ये बढ़ते चले जाएंगे. तो यहाँ पे जो 8 है वो स्लाइटली वीक बेस है, जबकि जो 14 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा कलर्स में मेंशन करता है, नंबर है पीएच 1 टू 14, और इसमें कलर्स दे रखे हैं, और ये बताता है कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है. बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, वो वीक एसिड, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है मेनी इंडिकेटर्स का, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है. ओके, तो दिस इज अबाउट योर नेचुरल, सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो नाउ कम्स द पीएच स्केल. सो पीएच स्केल जिसके बारे में अभी बात करी, सो ये क्या क्लासिफाई करता है, एसिडिटी और बेसिसिटी की जो है स्ट्रेंथ को बताने के लिए. तो इट्स अ पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस. पोटेंस मींस पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. सो इट्स अ स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. तो पीएच के ऊपर आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में. तो पीएच एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. एंड पीएच में अगर आप पी देखें तो इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर. तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, p
पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी और उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी. बिकॉज हम बात कर रहे थे जो 7 है ये न्यूट्रल है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स जो हैं उसकी कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड पे बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ये 1 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो 6 है ये वीक एसिड है. सिमिलरली एल्कलाइन में 7 से 14 की तरफ जाते हुए हाइड्रोक्सिल आयन्स जो हैं ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, आयन्स का नंबर बढ़ जाता है. तो 8 जो है वो वीक बेस है और 14 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर पीएच स्केल. सो नेक्स्ट इज, मैंने आपको बात की थी कि स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो जो हम जब भी एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग या तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं या हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं. तो ये बात याद कीजिए, ध्यान में रखिए कि स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन का मतलब सेम नहीं होता है. जहां पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है वहां पे आयंस की डिसोसिएशन की एबिलिटी को देखा गया. कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एसिड या बेस की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो मतलब उसकी एबिलिटी, एसिड या बेस की एबिलिटी डिसोसिएट होने की कितनी है सॉल्यूशन में. ठीक है, तो ये एक क्वालिटेटिव फैक्टर है. ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि कितने आयंस में डिसोसिएट होने की एबिलिटी है वाटर के अंदर. तो पीएच इसको मेजर करता है. जबकि जो कॉन्सेंट्रेशन है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, ये अमाउंट की बात कर रहा है. अमाउंट का मतलब हो गया क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी. ठीक है, अमाउंट का क्या मतलब हो गया, क्वांटिटी की बात हो गई. तो इट्स अ क्वांटिटेटिव फैक्टर कि कितना अमाउंट एसिड और बेस का सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. ठीक है, तो एसिड और बेस का पीएच सेम रहेगा चाहे वो कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड क्यों ना हो जाए. मतलब अगर आप किसी भी एसिड में या बेस में पानी ऐड कर देंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे, तो आयंस का नंबर तो सेम ही रहेगा. तो दैट इज अ क्वांटिटेटिव फैक्टर. कॉन्सेंट्रेशन से एसिड उसके पीएच पे फर्क नहीं आता. जबकि स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ को मेजर कौन करता है, पीएच. अभी हमने बात की जितना कम पीएच होगा उतनी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी. तो पीएच 1 पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. ठीक है, और पीएच 14 पे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट. हमने इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा इस पार्ट में. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू दी केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एसिड्स की, फिर बेसिस की, देन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, पीएच के बारे में पढ़ लिया. पर अब हम आ जाते हैं हमारे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले. सो थैंक यू सो मच. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.